फ्रेंड्स फ्रेंड्स हियर आई थैंक यू ऑल। अब इसको ध्यान से जरा समझिए, मोदी सेड टू द पीपल फ्रेंड्स हियर आई थैंक यू ऑल। अब इसको जैसे बनाना है इनडायरेक्ट, इसे हमें इनडायरेक्ट बड़ा आसान है। तो देखिए ये बात क्या है कि मोदी लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, मोदी ने लोगों से कहा कि मेरे दोस्तों यहां मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आप सभी को धन्यवाद कहता हूं। देखिए सबको धन्यवाद दे रहे हैं, तो इसको यहां पे समझना आपको कि ये किसी से बोल नहीं रहे, सभा को संबोधित कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो ये सेड टू बदल जाएगा एड्रेस्ड में, एड्रेस्ड, मोदी चूंकि एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, कह नहीं रहे, तो मोदी एड्रेस्ड द पीपल, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। किस रूप में? तो लोगों को अपना दोस्त बता रहे हैं, तो एज फ्रेंड्स दोस्तों के रूप में संबोधित कर रहे हैं, सारे लोगों को अपना दोस्त बताकर संबोधित कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं उसके बाद, एंड सेड दैट, देखिए इस पे ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लिख देना है, सेड टू को एड्रेस में चेंज करना, चूंकि भाषण की चर्चा हो रही, संबोधन की चर्चा हो रही, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना, और उसके बाद जिस रूप में मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं उसको लिख देना। तो एज फ्रेंड्स दोस्तों के रूप में, तो इसको एज से जोड़ देना, एज फ्रेंड्स, फिर यहां पर जो ये कॉमा है यहां पे, तो एंड सेड डेट देना है, और उन्होंने कहा, चूंकि वो रुके होंगे यहां पर, डायरेक्ट नहीं बोलते गया होंगे, तो एंड सेड डेट, और फिर उन्होंने कहा, क्या कहा, हियर बदलता है देयर में, देयर, और ये फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा मोदी के अनुसार, फर्स्ट पर्सन, सन फॉर्मूला याद है आपको, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो मोदी, तो ही, और टेंस बदलेगा, थैंक, थैंक, देखिए सेकंड पर्सन है, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन यहां देखिए, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, पीपल, पीपल मैंने क्राउड है, अरे प्लुरल है ये, और प्लुरल सब्जेक्ट क्या होता है, दे, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहां पर, थैंक देम, और इस तरह से ये बन गया। दूसरा देखेंगे, नीतीश सेड टू द पीपल लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर माई होप, यू आर माई होप। अब इसको ध्यान से समझ, नीतीश कुमार लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आप जब इसका इनडायरेक्ट आप चेंज करेंगे, तो लिखेंगे नीतीश एड्रेस्ड द पीपल इन। अब देखिए यहां पे क्या है, इन्वर्टेड कॉमा को डेट नहीं बदलना, किस रूप में लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तो कह रहे हैं भाइयों एवं बहनों, इस तरह से संबोधित करते हैं छोटे छोटे, है ना, बच्चे रहते हैं तुमको भाइयों में बहने या छोटे बच्चे, है ना, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या करें, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर दोस्त हो तो दोस्त भी बोलते हैं, अलग अलग तरीके से संबोधित करते हैं, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार कह रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना, यानी सज्जन पुरुष और जितने भी महिलाएं हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एज लेडीज एंड जेंटलमैन। अब यहां देखिए, अब रुके होंगे यहां पर और फिर बोले होंगे, तो एंड सेड दैट, और उन्होंने कहा, इतना कहने के बाद है ना कॉमा है, तो एंड सेड दैट, वहां जरूर रुके होंगे, तो एंड सेड दैट, अभी इसको चेंज करें,
सेकेंड पर्सन है किसके अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट पीपल है, प्लुरल है, तो यहाँ पर हो जाएगा दे, और टेंस बदलिए तो वेयर हो जाएगा, आर तब को वेयर में बदलेंगे, माई, माई मतलब फर्स्ट पर्सन, तो नीतीश कुमार के अनुसार, आई से माई बनता है, तो फर्स्ट पर्सन है तो नीतीश कुमार के अनुसार, तो नीतीश कुमार का क्या हो जाएगा यहाँ पर, चूंकि ये पजेसिव केस है माई, तो माई नीतीश कुमार का ही का हिज वो, इस तरह से आप ये चेंज कर पाएंगे टर्म ऑफ एड्रेस। फिर से समझिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच टर्म ऑफ एड्रेस, यदि रिपोर्टेड स्पीच टर्म ऑफ एड्रेस हो, लेडीज एंड जेंटलमैन हो, डियर फ्रेंड्स हो, लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर हो, ब्रेव सन ऑफ मदरलैंड हो, फ्यूचर ऑफ द कंट्री हो, तो हम इसे निम्नलिखित तरीके से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाया यहाँ पर कि मोदी सेड टू द पीपल, यानी मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तो मोदी एड्रेस द पीपल दोस्तों के रूप में, तो एज फ्रेंड्स, और फिर उन्होंने क्या कहा, तो एंड सेड दैट, और उन्होंने कहा आई थैंक यू ऑल, तो यहाँ पर हियर है, तो हियर देयर में आई ही में बदल गया, थैंक यू ऑल, थैंक देम ऑल में बदल गया। आई कैसे बदला, फर्स्ट पर्सन मोदी के अनुसार, तो वहां पर ही हो गया, फिर थैंक पास्ट में गया तो थैंक हो गया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट पीपल है तो पीपल यानी प्लुरल नंबर, थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर दे होता है, तो दे का ऑब्जेक्ट देम, और यहाँ नीतीश कुमार सेड टू द पीपल, नीतीश कुमार ने लोगों को संबोधित किया, तो एड्रेस द पीपल, नीतीश कुमार एड्रेस द पीपल। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो लोगों को लेडीज एंड जेंटलमैन कह के पुकारा इन्होंने, तो एड लेडीज एंड जेंटलमैन, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, तो एंड सेड दैट यू आर माई हो, तो यू देखिए सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, अभी लोगों को कह रहे हैं आप ही मेरे उम्मीद हो, तो लोग थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर अभी दे हो जाएगा यहाँ पर, आर देयर में बदल गया, फर्स्ट पर्सन माई है पॉजिटिव केस में, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट नीतीश कुमार है, तो माई का हिज हो, इस तरह से बन गया, नीतीश एड्रेस द पीपल एज लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सेड दैट दे वेयर हिज होप। इस तरह से आपने देखा है असर्टिव सेंटेंस में, वाक्य तो काफी लंबे लंबे हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बनाने में कोई तकलीफ नहीं होती, बड़े आसानी से आप इसे समझ पाए होंगे और इसे बना भी पाएंगे। तो इसी तरह से आप रेगुलर वीडियोस देखते रहेंगे, उसको समझेंगे, बार बार कहीं कंफ्यूजन्स हो तो बार बार देखेंगे, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको और ज्यादा वीडियो देते रहूं, इसके बाद मैं अगला पार्ट इसका दूंगा, इसके आगे लगातार आपको पूरा नरेशन का वीडियो मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि चूंकि ये COVID-19 का जो प्रभाव है पूरे विश्व पर, ये जो महामारी के रूप में फैला हुआ है, थोड़ा सतर्क रहें, सेफ रहें, और इसी के कारण आज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने का मौका भी मिला, थोड़ी बहुत अगर त्रुटि हो, ये चूंकि पहली बार ऐसा करने का मौका मिला है, पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके स्टडी में मदद हेतु, थोड़ी बहुत कहीं कोई मिस्टेक्स भी हो तो मैं आपसे एक्सक्यूज चाहूंगा, उसे मैं आप इग्नोर करेंगे। थैंक यू।